अगर आप कहीं भी खड़े होते हो तो आपको ब्रह्मचर्य में पालन करते करते भीड़ में सबसे अलग दिखते हो। और जब आप ब्रह्मचर्य पालन करोगे आपके दिमाग में नॉलेज एकदम फिट होगी और आप अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन कर पाओगे। और भोजन में ऐसी डाइट लें कि आप स्वस्थ रहें। 10:30 बजे से पहले सो जाया करो। और आपको खेल कूद का ज़्यादा शौक है तो उसे ज़्यादा खेला करो, क्योंकि आपको पसीना बहाता रहता है, इससे आपके चेहरे पर चमक आती है। और सुबह को जल्दी उठा करो, इससे आपको व्यायाम ब्रेन में आपके बहुत अच्छे होते हैं। सुबह उठोगे तो आप व्यायाम जरूर करा करो, भगवान का ध्यान अवश्य धरो, चाहे धरो 2 मिनट को ही। मैं रोज़ भगवान का ध्यान धरता हूँ और आपके चेहरे पर एक ऐसा नूर आएगा कि बहुत अच्छा। ये सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन से। भगवान बौद्ध थे, एक उन्होंने तपस्या इतनी करी कि आज उन्हें हर कोई पूछता है। अगर आप पहले तपस्या करोगे तो हर कोई फिर बाद में आपकी तपस्या ज़रूर करेगा। इसलिए आपको गंदे कामों से हटना है और अच्छे कामों के लिए आना है। अगर आप रात को पढ़ते हो तो आप रात को पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि देखिए रात को आप पढ़ते हो, दिन में पढ़ा करो सुबह उठ के। और व्यायाम बल जरूर करें, व्यायाम सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ मानी गई है ब्रह्मचर्य में। भोजन की जगह आप, मैंने पहले बता दिया, भोजन आपको मीट मछली नहीं लेने हैं, आपको हल्का भोजन लेना है। चने जरूर खाएं और सोयाबीन भी खा सकते हैं आप। यदि आप अपना ब्रह्मचर्य मजबूत करना चाहते हो तो आप जिम ना जाकर अपने घर पर ही कसरत करें। देखिए कसरत से बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। सुबह के टाइम जरूर करा करो कसरत को। और आप जितना अपने शरीर का पसीना बहाओगे उतना ही अच्छा अपना दिमाग रहेगा। सुबह उठने के बाद आप चाहें तो रेस भी लगा सकती हैं, वैसे रेस लगानी सही नहीं है। और जितना ज़रूरी है मेरा सांस लेना उतना ही ज़रूरी है मेरा लक्ष्य, ये सही बात है। आप अपना लक्ष्य बनाओ अच्छे से।